गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, बिकॉज ये वाला व्लॉग मैं जन्माष्टमी के दिन का बना रहा हूँ। मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊँगा और आसपास का एरिया आपको दिखा दूँगा अपना कि कैसा होता है जन्माष्टमी के दिन पे। हाँ होता है ना, हम बचपन में करते थे कि जन्माष्टमी में छोटे छोटे थे जब मिट्टी लाना, ईंट लाना और जन्माष्टमी में चंदा इकट्ठा करना, वो मूवमेंट्स बच्चे आज भी करते हैं मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक मेरे को लगता है मैं बाहर नहीं निकलता ज़्यादा। तो अब मैं वहाँ पर जाके देखूँगा कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इस्कॉन जाना और आसपास अच्छे अच्छे टेम्पल्स में जो प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे उसे झांकियाँ बोलते हैं, तो झांकियाँ जो होंगी वहाँ पे उन्हें देखना, तो अपने नॉस्टैल्जिया वाइब आपको फील करवाना कि बचपन में हम जैसे करते थे वो आज हम वापस से करेंगे। और एक मेरा डाउट है बहुत बड़ा, मतलब मेरे को आज तक वो इनकम्प्लीट आंसर है मेरे लिए कि जन्माष्टमी हम लोग रात को 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट जन्माष्टमी आज कर रहे हैं, ऑफ हमें आज का मिलता है, बट रात को 12 बजे जन्म हुआ तो नेक्स्ट डे पे आएगा वो तो आई गेस। तो आप सभी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि मेरे को जानना है। और अगर मैं जानूंगा अभी, अगर मैं खुद सर्च करूंगा अभी देखूंगा, अगर मेरे को इसका आंसर मिलेगा मैं श्योरली आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी जानना है कि अगर 12 बजे जन्माष्टमी होती है, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ पीपल का यही क्वेश्चन होगा कि 12 बजे जन्माष्टमी होती है और हम लोग अगले दिन सेलिब्रेट ना करके आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो और जैसे कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सनातनी चीज़ें दिखा रहा हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, तो यार इस काम के लिए मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर सकते हो ना, तो करके दिखा देना। अभी सामान लेने आया हूँ, ठीक है भाई। जैसा हमारे टाइम पे होता था, देखो दुकान है, ठीक है, हमारे टाइम पे तो यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती थी ना इस टाइम तक, पता नहीं भाई यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं, बच्चे ने कुछ करा ही नहीं है बाहर। मैं तो सोच रहा था बहुत कुछ कर रखा होगा, इस टाइम तो मिट्टी लग जाती थी, ईंट लग जाती थी, कुछ करा ही नहीं इनने। और दुकानों पर भी सामान नहीं बिक रहा पहले वाला, सैनिक नहीं मिल रहे, जानवर नहीं मिल रहे, पेड़ नहीं मिल रहे, समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। और इतने पास से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे शोर मिलेगा रोडों पर, फिर आवाज़ नहीं आएगी तुम्हें, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए एडिटिंग करने में। भाई खाली रोड पड़ी है इस टाइम पे, कोई है ही नहीं, बच्चा क्या हो रहा है ये। और देखो सामान ले जा रहा हूँ मैं भाई, घर का सामान लाना प्रायोरिटी होती है, नहीं लाओ ना घर से निकाल दिए जाओगे। इतने धीरे इसलिए बोल रहा हूँ अपनी गली में, मम्मी ने सुन लिया ना मारी बहुत। तो यार देखो मैं ना रिसर्च कर रहा था, या फिर कह सकते हैं मैं जानना चाहता था कि कैसे कृष्ण जी का बर्थडे 12 बजे होता है और आज सेलिब्रेट होता है कल नहीं होता है। तो मेरे को इसके पीछे एक आर्टिकल मिला है जिसमें ये शो हो रहा है कि जो कृष्ण जी का जन्मदिन होता है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आपका बर्थ 12 बजे हुआ है तो आप एक दिन पहले वाला डे को काउंट करोगे, बट अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन कैलेंडर अगर आपका बर्थ 12 बजे हुआ है तो वो नेक्स्ट डे काउंट होगा, ठीक है। और हम कृष्ण जी के बर्थडे के नेक्स्ट दिन दही हांडी सेलिब्रेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ एक पार्टी होती है, होता है ना सेलिब्रेशन, तो उन्हें मक्खन बहुत पसंद था, इससे रिलेटेड उन्हें भोग लगता है अगले दिन मक्खन का। तो ये कॉन्स्पिरेंसी बहुत पेचीदी है कह सकते हैं, लेकिन मेरे को यही मिला कि जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से अगर आपका बर्थ 12 बजे के बाद हो रहा है, 12 बजे हो रहा है तो आप नेक्स्ट डे पे जाओगे, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आपका बर्थ 12 बजे होता है तो आप एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हो, आप एक दिन पहले जन्म हुए हो। एक दिन पहले मेरे कहने का मतलब है अगर आज 7 तारीख है तो आज ही 12 बजे रात को अगर हिंदू के हिसाब से जन्म होगा किसी का तो 7 होगा, 7 को उसका बर्थडे माना जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन कैलेंडर उसका 8 को माना जाएगा। ये देखो यार इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि यार मैं बहुत कुछ बता दूंगा आपको इंटरनेट से पढ़ के, और कहीं ना कहीं वो मैं गलत पढ़ के बता दूं आपको या कुछ और बता दूं, उस चक्कर में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है आपको पता ही है। बट सॉरी अगर मैंने कुछ वर्ड्स गलत बोले हों, उस चीज़ को वो मत लीजिएगा बिकॉज मैं यंग एज में हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। चलो भाई चल रहे हैं अब, ठीक है। वाशु आ गया है, ये रहा वाशु। और भाई क्या हाल है भाई, राधे राधे। चलो भाई पता मेरे में क्या, फॉर्चुनेटली ना स्टेडियम आ चुके हैं, मैं बोर हो रहे थे बाहर, सोचा कि स्टेडियम आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ना सिल्क एक्सपो लगा है, हमने सोचा चले यार घर में बोर होंगे शाम तक के लिए, जब स्कॉन जाएंगे रात को इससे पहले ही इससे अच्छा घूम ही आते हैं पार्क में, स्टेडियम में हमारे तो पार्क जैसा ही है। हाँ भाई नोएडा की शान और जान कह सकते हो स्टेडियम को, ठीक है। देखो ऐसा सा कुछ है, देख लिया फुल टूर है भाई, फुल टूर दे दिया, आप आ जाना। तो दिख रहा है
ये अब मेरे फोन की फोटो है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज। दिखा भाई फोटो, दिखा जा रही है भाई। भाई बताना कैसी फोटो लगी तुम्हें? अभी अपने पेज पे डालूंगा। हाँ भाई का पेज है नोएडा वाले 16। हाँ @ क्या इंस्टा पे सर्च कर लेना, Noida 16, नोएडा वाले 16 पे लास्ट। तो ये सिल्क एक्सपो है, ठीक है, इसमें भी टूर दिखा देता हूँ मैं आपको, घूम के आ जाते हैं। छोटा मोटा क्या दिखाऊंगा इसमें तुम्हें, बस टूर है तो वहाँ के खरीद लेना, ठीक है। इनको बता दूंगा मेरे सब्सक्राइबर्स आएंगे, आप डिस्काउंट दे देना, यूज़ कर लेना कूपन 9/2023, ठीक है। चल तो भाई हमारे भाइयों के मतलब का कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारी सारी बहनों के मतलब का है, भाइयों के मतलब का एक है शर्ट है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ना बहनों के मतलब का है मेरी, जो फेमस है चिनकारी कुर्तियाँ हैं यहाँ। क्या हो गए 2 साल के आसपास सब लिया था, नहीं भाई शिल्प उत्सव लगा था तब लिया था कुर्ती। नहीं भाई यहाँ पे सारा लड़कियों का माल है, मतलब बहनों का हमारी, ठीक है, और लड़कों के लिए बहुत कम है। कुछ नहीं है, ऐसी है, हम टाइम पास करने आए हैं, मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आया हूँ बस। मस्त प्लान है भाई, अब है ना मतलब 24 अक्टूबर को है दशहरा, तो शायद यहाँ पे 10 तारीख से मेला लग जाएगा भाई, मैंने तो बोल रखी है तुम लोगों को, गारंटी दे रहा हूँ 10 में से 8 दिन ब्लॉग डालूंगा पक्का। नहीं ब्लॉग तो उसको बनाएंगे, और बाकी भाई मेरे को तो अपने रील शूट करनी है। नहीं भाई उस टाइम मुझे अपने पेज के लिए ना एकदम बढ़िया बढ़िया, मैं 7 दिन 8 दिन ब्लॉग बनाऊंगा, मैं पहले से कमिटमेंट कर रहा हूँ, कहीं नहीं हुई ना तो तुम मेरे को ले लोगे भाई, मेरी फाड़ लोगे, ठीक है। तो देखो भाई हम पे पास आ चुका है, ठीक है, अब यहाँ से सीधे स्कॉन जा रहे हैं हम, मेरे पास तो आ चुका है मेरा पास, और अगर आपके पास VIP पास है मतलब आपको अगली बारी, तो वृंदावन गेट से एंट्री है, जिनके पास भी पास है ना उनकी एंट्री वृंदावन गेट से हुई है, और हमारे साथ मैं और वाशु हूँ, और 2 लोग और ज्वाइन हो चुके हैं, तो चलो अब आपको दर्शन करवाता हूँ सीधे सीधे। देखो वृंदावन के भी दर्शन कराऊंगा और जल्दी, लेकिन अभी वहाँ के करवा देता हूँ, अभी वहाँ के देख लो भाई, पैसा नहीं कमाया बट ये कमाया है, बिल्कुल भाई पैसा, बिल्कुल पैसा कमाया हो नहीं कमाया हो, लेकिन भाई ये कमाया कि हमें भाई इन्विटेशन मिल रहे हो। हाँ भाई इन भाई इसमें है ना, ये देखो हमारा एरिया कुछ ऐसा है पीछे, सॉरी भाई क्वालिटी ख़राब आ रही होगी मेरे को पता है, लेकिन क्या करें भाई यही है, अभी इसी से काम चला लो, बढ़ा देंगे क्वालिटी जल्दी। मेरे साथ नेटवर्क अच्छा, देख रहे हो भाई अब बहुत क्लोज आ चुके हैं, 1.5 क्रेज। हाँ भाई जन्माष्टमी का क्रेज, बिल्कुल भाई मीडिया वीडिया वाले भी आ चुके हैं, थकान हो गई है भाई, चल के सही बता रहा हूँ, आंखों पे दिख रही है थकान। आ रहे हो तुम भी, आ रहे हो हमारे ब्लॉग में, फेमस हो जाओगे। राधे राधे राधे। भाई तुम्हारा भाई हो गया भाई बिल्कुल पुजारी, तुम्हारा भाई बिल्कुल पुजारी हो गया है, लग रहा ना बढ़िया तुम्हारे भाई पे, भाई दोनों भाई पुजारी हो गए, दोनों भाई पुजारी हो गए, लग रहे हैं ना बढ़िया, अब लग रहे हैं कि भाई हाँ अब लग रहे हैं स्कॉन में, हाँ स्कॉन में अच्छी लाता भाई। अरे हाँ चारों आ जाओ एक साथ ब्लॉग से कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। पसीनों का भाई फल बहुत अच्छा होगा, फाइनली इतनी इतनी मेहनत का कुछ असर दिखेगा। दर्शन भाई कैसे हुए भाई? तो भाई हो गए बढ़िया, हो गए बहुत बहुत बेशक, काफी देर खड़े रहे, दिक्कत रही अरुण, हेलो
भाई मजा आ गया, दर्शन हो गए बस निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि बहुत इतने क्लोजली लाइक हम लोग सच में बहुत क्लोज थे, और देखो मेरे को तीन फूल भी मिले हैं भाई, अच्छे दर्शन हो गए भाई। ऊपर वालों का सही, ऊपर से भाई मतलब एहसास नहीं हुआ अंदर से बाहर कब आ गए, जो बहुत बढ़िया हुआ दर्शन, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, आनंद आ गया, राधे राधे, एक नंबर भाई कसम से, मतलब इतना इतना मतलब सुकून, तुरंत निकले तुरंत बाहर, पता ही नहीं चला क्या सीन है, और बहुत बढ़िया लगा, मतलब कसम से। तुम लोगों को भी देख लिया होगा, तुम लोगों ने कैसे हुए दर्शन और कैसी वाइब थी वहाँ की, वीडियोस में पता लग गया होगा तुम्हें। अंदर से एक आप बोलो ना गर्भगृह में जब जाते हो तो वहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता, पर दर्शन बहुत अच्छे, बिल्कुल वहाँ पे कुछ एहसास नहीं, कुछ मांगने का मन नहीं, ऐसा लगा बस खड़े रहो, लेकिन वही है बाहर निकलना ही होता है कभी ना कभी, तो उसी की तरह बाहर आए। तो यार देखो अब तुम्हें क्या यार, अब यहाँ से बाइक उठाएंगे और फिर कहीं और जाना है, फिर अब कहीं और जाना, अब तुम्हें कहीं और लेके जाएंगे। यार वैसे मैं तुम्हें क्यों लेके जा रहा हूँ यार, खुद घूमने खुद तो मजे लूंगा ना भाई, सही तो जहाँ मेरी मर्जी करेगी वहीं दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें हर जगह दिखाऊँ, प्राइवेट लाइफ भी होती है कुछ, समझे करो। और उसके अलावा तुम्हें दर्शन के बारे में मैंने बताया कितना बढ़िया था, तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई भाई सब चुनाव चिर है, मेरा मन था कि वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़कर आज लग जाऊँ, लेकिन भाई क्या करो यार काम है, काम को काम की तरह लेना चाहिए। देखो भाई तुम्हारे चक्कर में मैंने राधे राधे मतलब वो डांस छोड़ा है, तो तुम लोग सब्सक्राइब तो करोगे ना, है ना भाई। हाँ भाई बिल्कुल, देखो आज जन्माष्टमी का उसमें इतना अच्छा व्लॉग बना है तो सब्सक्राइब तो जरूर करो। हाँ भाई, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ भाई अब अच्छा सपोर्ट आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो और अच्छा कंटेंट बनाओ। देखा आपने कि हैप्पी जन्माष्टमी हो चुकी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, तो आई होप कि आपकी सभी विशेष पूरी हों। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सिया। अब ठीक बना है।